आज 27 साल हो गए, बताने को कुछ अगर है तो स्लोगन्स है, क्योंकि गुजरात में भूचाल आया, उसके बाद जो हुआ तो उनको सरकार बदलनी पड़ी, फिर जाके 2002 हुआ तो वो उस इमेज को वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, विकास के नाम से, गुजरात मॉडल के नाम से उसको व्हाइट वॉश करना पड़ा, बार बार व्हाइट वॉश करना पड़ा उन लोगों को, तो बार बार इमेज बिल्डिंग करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा पैसा चुनाव में और परफॉर्मेंस में नहीं, इमेज बिल्डिंग में लगाना। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं आपका होस्ट अकील खान मुंबई से, और आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। जैसे कि आप जानते हैं, आप एक मशहूर कॉलम निगार हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में आपके कॉलम्स आते रहते हैं। दूसरे गेस्ट हमारे हैं डॉक्टर आनंद बजगानकर साहब, जो की गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं, आप NAPM नाम की एक संस्था है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेघा पाटकर और अरुणा राय जैसी जो प्रसिद्ध समाज सेविका है उनके साथ आप काम कर चुके हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव बस 1 या 2 नवंबर तक घोषणा हो जाएगी कि किस क्या डेट रहेगी, लेकिन सबसे मजेदार ये है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री के घर में हो रहे हैं, उनके गृह में हो रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी का विषय बन गया है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव पिछले विधानसभाओं से अलग है, क्योंकि इस बार बहुत ही टफ फाइट होने जा रही है प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश में। वो टफ टाइम उनको दे रही है आप पार्टी, क्योंकि इससे पहले हमेशा वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर रहती थी, लेकिन इस बार क्योंकि आप भी वहां पर आ गई है और बहुत ही दमखम के साथ लड़ रही है, इस बार इसी वजह से जो मोदी जी हैं, जो बीजेपी के चालक कहे जाने वाले अमित शाह हैं, उनका इस बार पूरी तरीके से लोग इम्तिहान लेंगे कि क्या इस बार भी वाकई में बीजेपी वहां पर किसी तरीके से अपनी सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है। इसी विषय पर आज हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। तो पहला सवाल मेरा मिस्टर आनंद जी से रहेगा, क्योंकि वो खुद इस वक्त गुजरात में है और वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है, ग्राउंड की पॉलिटिक्स है, उसको देखते रहते हैं। आनंद जी, मुझे ये बताइए और हमारे व्यूवर्स को आप ये बताने की कोशिश करिए कि क्या इस वक्त का माहौल है वहां पर, और आपको क्या लग रहा है कि आपके आने के बाद क्या वाकई में ये वहां पर खिचड़ी सी पक जाएगी, क्योंकि आप भी बहुत टफ फाइट देती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है? नमस्कार मित्रों, भाजपा को गुजरात में करीब 27 साल हुए हैं, और 27 साल में सबसे ज्यादा अगर लोगों को कुछ मिला है तो वह है स्लोगन्स, सूत्र, परफॉर्मेंस कभी नहीं मिला, इसलिए बार बार उनको सरकार बदलनी पड़ती है। असल में 2001 में भी गुजरात में भाजपा चुनाव हार गई होती, कच्छ का भूकंप भूचाल जब आया तब शायद 26 जिले थे, 26 में से 22 जिलों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी थी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील के जो चुनाव होते हैं, स्थानीय इकाइयों के जो चुनाव होते हैं, तब वो हार रहे थे, तब जाके उन लोगों ने मोदी साहब को ले आए थे तब वो लोग। तो आज 27 साल हो गए, बताने को कुछ अगर है तो स्लोगन्स है, क्योंकि गुजरात में भूचाल आया, उसके बाद जो हुआ तो उनको सरकार बदलनी पड़ी, फिर जाके 2002 हुआ तो वो उस इमेज को वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, विकास के नाम से, गुजरात मॉडल के नाम से उसको व्हाइट वॉश करना पड़ा, बार बार व्हाइट वॉश करना पड़ा उन लोगों को, तो बार बार इमेज बिल्डिंग करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा पैसा चुनाव में और परफॉर्मेंस में नहीं, इमेज बिल्डिंग में लगाना पड़ता है, प्रोपेगेंडा में लगाना पड़ता है। किसी जमाने में चुनाव एजेंडा के बारे में होता था, प्रॉमिसेस के बारे में होता था, परफॉर्मेंस के बारे में होता था, लेकिन ये अब पुरानी बातें हो गई है। चुनाव अब लोक शिक्षण, पब्लिक एजुकेशन का भी जरिया रहा नहीं, चुनाव अब लोगों को उत्तेजित करने का, इंसाइट करने का, भड़काने का ये रहा है। तो आपका जो मूल सवाल है, आम आदमी पार्टी के आने से क्या हो गया, मैं यह मानता हूं आम आदमी पार्टी के आने से त्रिकोणीय संघर्ष तो हो ही गया है। आम आदमी पार्टी भाजपा का खेल खेलना बखूबी जानती है, तो वो लोग जो खेल खेलते हैं वही खेल आम आदमी पार्टी
खेल रही है, इसलिए मोदी साहब को और अमित शाह साहब को बार बार दौड़े आना पड़ता है गुजरात में। जिस तरह के वादे मोदी साहब, जिस तरह की राजनीति वो लोग धर्म को लेके करते हैं, उसी तरह की राजनीति इन लोगों को भी बखूबी एकदम भाग गई है। तभी वो नोट पे लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति की बात करते हैं, असल में मुद्दे जो है लोगों के उस पर बात न भाजपा कर रही है न ये कर रहे हैं। चुनाव परफॉर्मेंस नहीं, परसेप्शन मैनेजमेंट पर हो रहा है, प्रोपेगेंडा पर हो रहा है, इमेज बिल्डिंग पर हो रहा है, सोशल मीडिया में इसको करके हो रहा है। असली मुद्दे की बात, दिक्कत यह है कि कोई नहीं कर रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद साहब। सलीम साहब, जैसे कि आनंद साहब ने बताया कि इस बार वाकई में थोड़ा सा टफ टाइम हो गया है, क्योंकि आप भी वहां पर आ गए तो त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि आपके आने से जो अभी तक का जो समीकरण बन जाता था कि डायरेक्ट फाइट होती थी कांग्रेस की और भाजपा की, जिसमें अब आपकी एंट्री होने से आपको क्या लगता है किसके वोट कटेंगे? आप जो है वो कांग्रेस के वोट काटेगी या आप भाजपा के वोट काटेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो बीजेपी की वोट काटेगी, इसलिए कि आप जिस तरह की राजनीति कर रही है वो तो सीधे सीधे बीजेपी की राजनीति है। मतलब वो जो है, पहली बात तो आप देखें, पिछले इलेक्शन में अर्बन सेक्टर में यानी शहरों में बीजेपी जीती थी और जो रूरल एरियाज है उसमें कांग्रेस जीती थी। अब आपका जो पूरा फोकस है वो शहरों की तरफ है, तो अगर शहरों की तरफ कोई पार्टी फोकस करती है तो वो डेफिनेटली वहां जिसका वोट ज्यादा है उसके वोट कम करेगी। तो ये तो एक एस्पेक्ट है, अर्बन और रूरल। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप जो है वो हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। मतलब ये कि बीजेपी ने अभी तक ये मैसेज दिया था कि हिंदू हित जो है वो उसकी वो है, मतलब विरासत है, वही जो है वो हिंदुओं की हमदर्द है, वही उनका भला चाहती है, वही उनकी आवाज उठाती है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने ये इमेज चेंज कर दिया, उसने कहा कि नहीं, ये जो है बीजेपी की मोनोपोली नहीं है, हम भी जो है वो हिंदू वोट की बात करते हैं, हम भी जो है वो हिंदू मतदार की बात करते हैं। तो दूसरा ये एस्पेक्ट है। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि ये जो इतना जिक्र अभी आनंद साहब ने किया कि आपने या केजरीवाल ने ये कह दिया कि साहब आप जो है वो गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरें नोट पे डालिए। अब ये सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तस्वीर डालो, बल्कि आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो वो अपनी बात शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था, वो ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। और फिर वो एक उदाहरण देते हैं कि डॉलर के मुकाबले नोट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो बुनियादी तौर से वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी सरकार है जो केंद्र में है और राज्य में है, ये अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल हो गई है, ये पहला मैसेज है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई इस पर जो है वो ये तस्वीरें डाल दो, इसलिए कि इनके पास में तो है नहीं, अब कम से कम उनके आशीर्वाद से जो है वो ये हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। अच्छा, फिर तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है, उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दे दिया कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहां के नोट पे भी जो है वो ये तस्वीर है। इसका मतलब उन्होंने ये बात मैसेज दिया कि हिंदू के हितों का जो है वो समर्थक होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुस्लिम विरोधी है। मतलब हिंदू, बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया कि अगर आप मुस्लिम्स की बात करते हैं इसका मतलब आप हिंदू विरोधी हैं, अब केजरीवाल ये नैरेटिव बना रहा है कि आप हिंदू हितों की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो मुस्लिम विरोधी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं वो ये है कि जब केजरीवाल ने ये मुद्दा उठा दिया कि भाई ये जो है वो गणेश और इनकी मूर्ति लगाना चाहिए, ये तस्वीर लगाना चाहिए, तो बीजेपी ने अपनी सफाई क्या पेश की? बीजेपी ने ये कहा कि भारत एक सेकुलर देश है,
इसलिए हम नोट पे ये तस्वीर नहीं लगा सकते। तो यानी जो बात बीजेपी दूसरों को कहती थी कि सेकुलर देश नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, तो खुद बीजेपी को ये बोलने पे मजबूर होना पड़ा कि भारत एक सेकुलर देश है और इसलिए हम इस पर तस्वीर नहीं लगा सकते। तो मैं ये समझता हूं कि वो जो फोटो लगाने वाली बात है उसका उसके कई एस्पेक्ट है और वो सारे एस्पेक्ट जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वो एक बहुत ही शानदार मूव है जो केजरीवाल ने खेला है और उससे कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन बहरहाल बीजेपी को उन्होंने कॉर्नर कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। लेकिन आनंद जी, मेरे सवाल आपसे ये है कि जब जैसे ही केजरीवाल ने ये बात बोली कि भारतीय जो मुद्रा है, जो नोट है, उनमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगा देनी चाहिए, उसके बाद सारे चैनल इस बात को बोलने लगे कि केजरीवाल जो है वो हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, शायद मोदी जी के बाद दूसरा अगर कोई हिंदुवादी नेता उभर करके सामने आ रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियोज भी सामने लाए जा रहे हैं जिसमें वो खुल के बोल रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं संघ परिवार से ताल्लुक था, उनके पिताजी संघ परिवार से जुड़े हुए थे और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों से उन्होंने पढ़ाई की है, और खुद उन्होंने ये बात कबूल किया है कि उन्होंने एक वक्त में वो आरएसएस से जुड़े रहे। अगर हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शायद केजरीवाल जो है वो जो परंपरागत वोट है, हालांकि हम ये सुनते रहते हैं कि बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वो किसी तरीके से टसमस नहीं होता है, लेकिन अगर इस बार अगर सेंध लगाना चाहते हैं केजरीवाल जी और बीजेपी का जो परंपरागत वोट है अगर वो आपकी तरफ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अलावा हिंदुत्व की राजनीति कोई और कर सकता है, या केजरीवाल क्या वाकई में हिंदूवादी राजनीति कर सकते हैं? क्योंकि ये तो वैसे ही हो गया कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की कोर्ट में जाके खेल रहे, उसकी पिच पे खेल रहे। जी आनंद जी, बीजेपी की पिच पे खेल रहे ऐसा लगता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि उनका गोत्र एक ही है, और जब कंपेटिटिव हिंदू कंपेटिटिव रिलीजियस पॉलिटिक्स होता है तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इट इज अ रेस टू द बॉटम, नीचे की तरफ जाने की होड़ लग जाती है उन लोगों में। केजरीवाल जी ने सिर्फ बीजेपी को दिक्कत में नहीं डाला, हिंदुत्व का नारा ये करके कभी कहीं हनुमान चालीसा गा दिया, कहीं गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ये कर दी, मुसलमानों पे कहीं अत्याचार हो रहा है तो उसके बारे में बोलेंगे नहीं, तो बिल्कुल राइट विंग हिंदू पॉलिटिक्स केजरीवाल कर रहे हैं। तो उससे सिर्फ बीजेपी की दिक्कत नहीं बढ़ रही है, मीडिया लोग मीडिया जो इतना गोदी मीडिया गोद में बैठा हुआ है उनके लिए बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। वो हिंदुत्व का विरोध तो नहीं कर सकते क्योंकि केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो सलीम साहब कह रहे हैं उनकी बात अगर ठीक है तो सच में वो उसमें एक छेद करेंगे, हिंदू कंसोलिडेशन के खिलाफ में छेद करेंगे। दिक्कत ये होनी चाहिए ऐसे कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में रेस टू द बॉटम जब होता है तब पार्टी चाहे कोई भी जीते लोगों की हार होती है, क्योंकि सही मुद्दों पर ये बात हो नहीं रही है, क्योंकि इस तरह की गंदी कंपटीशन हो रही है, क्योंकि एजेंडा मुद्दे वगैरह नहीं है, इसलिए ये लोग सिर्फ परसेप्शन बिल्डिंग में अगर पूरे रिसोर्सेज अपने ये करेंगे तो इमेज बिल्डिंग से होगा, पैसा खर्च करके होगा, वोटर मैनेजमेंट से होगा, नाम वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे जो लोग उनको वोट नहीं देंगे, ये सब गंदी राजनीति उसमें होने लगती है, लोगों की हार होगी, और जो दो ए है अदानी और अंबानी, चाहे कोई भी पार्टी आए उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो लंबी रेस में लोगों की दिक्कत कम नहीं हो रही, ये बड़ी दिक्कत है। हमेशा देश में बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। बीजेपी की राजनीति अगर देखें तो हर 10 साल में उन लोगों ने सोशल फैब्रिक को नुकसान हो, हमारे देश की सोशल फैब्रिक को डैमेज हो, डिस्ट्रॉय हो, ऐसा एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम उन्होंने हर 10 साल में किया है। 80 के दशक में रथ यात्रा निकाल के किया, 90 के दशक में बाबरी मस्जिद को गिरा के किया, 2000 के दशक में गुजरात का 2002 जो हुआ उससे हुआ, 2014 में झूठे वादे करके, अच्छे दिन के वादे करके 1 करोड़ नौकरियां देके 15 लाख की बात करके दोबारा 2014 में उन लोगों ने सत्ता छीन ली। तो हर 10 साल में सोशल फैब्रिक को डैमेज हो,
ऐसी एक बड़ी गंदी राजनीति अगर हुई है तो इसमें लोगों का ही नुकसान हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, इस तरीके की इस धर्म के नाम पे जब राजनीति होती है, जो किसी भी देश में हो, वहां पर जो नागरिकों के जो सोशल राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उन पर ही डाका डाला जाता है, क्योंकि उस पर बात ही नहीं हो पाती। जैसे कि आज हम 2014 के बाद से देख रहे हैं कि धर्म के नाम की राजनीति हो रही है, लोगों के बैंक बैलेंस खाली हो रहा है, लोगों के जो अधिकार है उनसे उन्हें वंचित किया जा रहा है। जी सलीम साहब, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि मैंने अपनी बात में रखी, ये बात मैंने अपनी रखी कि भाजपा का जो वोट बैंक होता है वो बड़ा कंसोलिडेटेड माना जाता है, वो इधर से उधर नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि इससे पहले वाला जो विधानसभा का चुनाव था सर 2017 का, उसमें बीजेपी लगभग हारते हारते बची थी, 99 और 77 पे कांग्रेस आ गई थी, तो किसी तरीके से जब वो यहाँ पर गिनतियां चालू हुई थी गुजरात में, वहां से इस तरीके का पेंडोरा ओपन हुआ था, उसके बाद धड़ाधड़ बीजेपी की सीटें बढ़ने लगी, तो किसी तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बना ली। आपको क्या लगता है कि वाकई में इस तरीके की जो राजनीति जो आप कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि गणेश जी का फोटो लगा दीजिए, लक्ष्मी जी का फोटो लगा दीजिए, उससे जो बीजेपी का कंसोलिडेटेड वोट है, जिसको बोला जाता है कि जो बिल्कुल टस से मस नहीं होता है, जो गुजरात की जो ये प्रयोगशाला बनाई गई है 2002 के बाद से अब तक की जो प्रयोगशाला बन चुकी है, क्या उसमें आप सेंध लगा पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए अभी आनंद साहब कह रहे थे कि आजकल जो है वो परफेक्शन की, क्योंकि बात जो है वो प्रयोगशाला की है, ये जो 20 साल में जो प्रयोगशाला जो रेडी हुई है, क्या आप उसमें सेंध लगा पाएगी, उन्हीं के बीजेपी के वोटों को घसीट पाएगी? देखिए अभी आनंद साहब ये कह रहे थे कि आजकल जो है वो परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है, और वो परसेप्शन की पॉलिटिक्स का शिकार हर कोई होता है और आप भी हो गए। ये कहना कि बीजेपी का जो कंसोलिडेटेड वोट है उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता है, ये एब्सोल्युटली गलत बात है। देखिए बीजेपी को 127 सीट मिली, उसके बाद 117 हुई, उसके बाद 99 पे आए, तो आखिर सेंध नहीं लगी तो गुजरात में इनकी सीट कम क्यों हुई? ये तो कह रहे थे कि हम जो है माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 150 सीट लाएंगे। दूसरी बात, अभी यूपी का इलेक्शन हुआ, 55 सीट कम हो गई, तो वो कंसोलिडेटेड वोट जो कहीं नहीं जाता था तो 55 सीट कम क्यों हुई? तो ये कहना कि साहब इनका वोट कहीं नहीं जाता है, खुद दिल्ली की मैं एग्जांपल देता हूं, एक जमाने में दिल्ली में सबसे स्ट्रांग पार्टी बीजेपी होती थी, उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस आई, और कांग्रेस के बाद भी जब केजरीवाल ने पहला इलेक्शन लड़ा तो केजरीवाल की 28 थी, बीजेपी की 31 थी, और अगले इलेक्शन में बीजेपी 3 पे पहुंच गई और केजरीवाल 67 पे पहुंच गया। तो ये कहना कि भाई बीजेपी का वोट कहीं जाता ही नहीं है, 31% से 31 सीट से 3 सीट, इससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है? और वो भी केंद्र में सरकार है, मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद जो है वो पहुंच गए 31 से 3 पे। तो ये सब जो है वो कहने की बातें हैं कि इनका वोट कहीं नहीं जाता है, अगर ठीक से इलेक्शन हो तो जो है वो इनके वोट भी इधर उधर होते हैं, फ्लोटिंग वोट हर जगह होते हैं, हमेशा होते हैं। जी सलीम साहब, आनंद साहब मेरा सवाल आपसे है जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 2002 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे अच्छा चुनाव था, कांग्रेस के लिए सबसे बुरा चुनाव था। 2002 में भी कांग्रेस को उस माहौल में जब हिंदुत्व की लहर हिंसा के बल पर इतनी बड़ी चलाई, तब भी कांग्रेस को 39% वोट मिला है, 39% वोट, यानी हर 10 में 4 वोट कांग्रेस को मिला है। सीट भले कम मिली हो लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें तो कांग्रेस को कम वोट नहीं मिला, और उस इलेक्शन में अगर वोट स्प्लिट नहीं होता, 22 सीट 2002 के चुनाव में ऐसी थी जिसमें एनसीपी और दूसरी पार्टियां, उस जमाने में सनत मेहता साहब एनसीपी के साथ थे, तो 22 सीट ऐसी थी जिसमें वोट स्प्लिट होने के कारण भाजपा जीती थी। तो उस पिछले 20 साल में 4 चुनाव हुए हैं और किसी चुनाव में 39% से कांग्रेस का वोट नीचे नहीं गया, ये हकीकत है। पिछली बार 42-43% वोट मिला है, तो बीजेपी का जैसे कंसोलिडेटेड वोट है वैसे ऑपोजिशन का भी कंसोलिडेटेड वोट है, वो करीब 40% है। सलीम साहब जो कह रहे हैं फ्लोटिंग वोट, स्विंग वोट जो थोड़ा बहुत होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी में इस बार बिल्कुल आसानी से बदल सकता है, लोग बोल नहीं रहे हैं,
लेकिन नाखुशी, नाराजगी, गैस और डीजल के भाव लोगों को पता नहीं चलते क्या? सिर्फ स्लोगन्स आ रहे हैं ये लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या? नई नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या? नई नौकरी के लिए जितने इम्तिहान हो रहे हैं, कंपिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, हर बार पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ से कंपिटेटिव एग्जाम्स में फॉर्म भरने का अगर 100 रुपया भी गिना जाए तो करोड़ों रुपया सरकार कमा रही है एग्जामिनेशन फीस के नाम से, और कोई नया रिक्रूटमेंट, कोई नई भर्ती हो नहीं रही है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इम्तिहान के पेपर लीक हो रहे हैं, एक नई नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये लोगों को पता नहीं चलता क्या? अगर ठीक से भरा जाए तो बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल लोग नाराज है। आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि आप मोदी जी को होम में बैठे हुए हैं और वहां की राजनीति देख रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स है उसको संभावनाओं का खेल कहा जाता है, दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त बनते रहते हैं और किसी भी तरीके का राजनीतिक समीकरण बन सकता है, किसे इंकार नहीं किया जाता है। अभी सोशल मीडिया पे और हमारी कई लोगों से बातचीत होती है, उसमें हम ये बात कहते हुए लोगों को सुन रहे हैं, क्योंकि ये राजनीति है तो पॉसिबल भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कयास भी लगाए जा सकते हैं, कि इस बार अंदर ही अंदर शायद आप में और कांग्रेस में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को उनके होम ग्राउंड में ही हरा दिया जाए। अगर किसी तरीके से मोदी जी को उनको होम ग्राउंड में हरा दिया जाता है तो 2024 उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि गुजरात जो है, गुजरात मतलब मोदी और शाह, गुजरात लॉबी जो है, इसको तोड़ दिया जाए। अगर हमने मोदी जी को गुजरात में ही हरा दिया तो मोदी जी का जो ऑरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उस पर हम चोट मार देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही, अभी भी दिखाई दे रही, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में है और अभी तक ही वो गुजरात नहीं गए और किसी बड़े लीडर ने वहां पर जाकर के इस तरीके की सफाई नहीं की है। पूरा जोर जो लगा दिख रहा है वो भाजपा वर्सेस आप में दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है आप में और कांग्रेस में, कि कांग्रेस का जो गांव लेवल पर, जो गांव के एरियाज में है जो इन्फ्लुएंस है, वहां पर वो अपने आप को सीमित रखेगी, वहां के वोटों पर वो राजनीति करेगी, और जो शहरी जो वोटर्स हैं बीजेपी के उसमें आप सेंधमारी करेगी, ऐसा कुछ समीकरण लगता हुआ दिख रहा है आपको, या एक कयास लगता हुआ दिख रहा है? राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति है, राजनीति का खेल हो ही सकता है, और ये लोग भी राजनीति का खेल खेलने में सिर्फ भाजपा तो माहिर नहीं है, भाजपा तो साम दाम दंड भेद से ये करती है, ये लोग अगर कर रहे हैं तो उसको वो सही में राजनीति कहलाएगी, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, इनकम टैक्स उनके पास नहीं है। तो अगर इन्होंने ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग किया है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, वो सही में राजनीति का खेल होगा। और अगर देश को बचाने के लिए सब कुछ हमारे करने से, सब कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के करने से तो होना जरूरी नहीं है, ऊपर भी कोई बैठा है, उसको चाहे ईश्वर कहे या अल्लाह कहे, देश में जो हालात है तो वो तो सबके नजर में है, तो ऊपर वाला भी कोई बचाएगा। इस देश के लोगों ने ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया कि उनको नर्क में ढकेल दिया जाए, उनको कोई बचाए नहीं। अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ये नामुमकिन नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन ये देश बचेगा, इस देश में मेहनत कश लोगों की मेहनत रंग लाएगी, ऐसा मैं जरूर मानता हूँ। आनंद जी, जी आपका आंसर मिल गया। सलीम साहब, मेरा भी आपसे इसी से मिलता जुलता सवाल है, और बेहतर होगा आप भी इस पर रोशनी डाल दें, क्योंकि अभी इससे पहले हमने देखा कि 50 घंटे तक राहुल गांधी जी से हमारी जो ईडी है वो पूछताछ करके, सीबीआई अपने पास बैठा करके रखती है, और ये देखा भी जा रहा है कि जो सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त ये जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसका ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। सेम यही पैतरा अपनाया गया था केजरीवाल जी के ऊपर, और लगभग जेल जाते जाते बचे थे उनके डिप्टी सीएम साहब। तो आपको क्या लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि मोदी सरकार से अगर निपटना है, इनकी ईडी से और सीबीआई से निपटना है, तो इनको इनके ही घर में चित कर दो, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझको नहीं लगता कि कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है, लेकिन ये कि जैसा आनंद साहब कह रहे थे कि सारा कुछ जो है वो इस दुनिया में इंसानों की प्लानिंग से नहीं होता, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी जाती है ऊपर वाले की तरफ से कि सिचुएशन जो है वो बदलने लगती है। आप जो आम आदमी पार्टी का प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, ये आप देखिए। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ ये है कि केजरीवाल जो है वो वाइब्रेशन पैदा करते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जो है वो मीडिया में एक हलचल मच जाती है,
लेकिन उनका जो डिसएडवांटेज है, उनकी जो कमजोरी है वो ये कि उनके पास कैडर नहीं है। अब शहरों में आप जो है वो मीडिया के जरिए से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो बगैर आपके कैडर के भी आप शहरी जो मतदाता है उसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गांव देहात में लोगों को प्रभावित करना है तो वहां पे कैडर की इम्पोर्टेंस होती है, और गांव में जो बड़े लोग होते हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, तो वो उनको कॉन्फिडेंस में लेना ये एक बड़ा काम होता है जिसके लिए टाइम लगता है। तो इत्तेफाक की बात ये है कि केजरीवाल के लिए गांव देहात में मतदाता को इम्प्रेस करना मुश्किल है, इसलिए वो शहरों को फोकस कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आनंद साहब ने बताया कि कांग्रेस कंसिस्टेंटली जो है वो 40% 39% वोट ले रही है, और वो वोट आ रहा है गांव से। तो और ये बात भी अभी आ रही है कि कांग्रेस ने जो है वो एक बहुत बड़े कैंपेन का प्लान बनाया है जिसमें खुद खड़गे भी वहां जाएंगे और उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स गुजरात जा रहे हैं और वो कई रैलियां करेंगे। सही बात है कि राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि कांग्रेस का जो है वो प्लान है। और आप देखें सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट जो कल ही हुआ जिसकी खबर आज आई है वो ये है कि माधव सिंह सोलंकी के जो बेटे हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, वो पहले एक जमाने में कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके थे 2012 में, लेकिन ये कि इस साल मई में वो बीजेपी में शामिल हो गए, और अभी उन्होंने जो है वो ये फैसला किया कि मैं दोबारा कांग्रेस में आऊंगा, और वो कांग्रेस में आ गए। तो इससे इसका अंदाजा होता है कि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर हमको देहात में इलेक्शन जीतना है तो ये काम जो है वो बीजेपी के टिकट पर मुश्किल है, इसलिए हमको कांग्रेस की तरफ आना चाहिए। तो ये एक नेचुरल आप समझ लीजिए कि एक समीकरण बन गया है जिसमें ये आप जो है वो शहरों की तरफ है और कांग्रेस जो है वो देहातों की तरफ है, और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल का जो ये स्टेटमेंट आया तो इसको कांग्रेस ने क्रिटिसाइज नहीं किया, कांग्रेस ने उसको जो है वो इग्नोर कर दिया, और इसने भी जो है खुद केजरीवाल ने भी एक भी आप देखेंगे स्टेटमेंट कांग्रेस के खिलाफ नहीं किया, बल्कि वो जो है उसका पूरा फोकस उनका बीजेपी की तरफ है। तो ये एक नेचुरल चीज है और ऐसा लगता है कि मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। जी आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, ये तो रही राजनीति की बात, असल में मुद्दों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार को बार बार लोगों की बात माननी पड़ रही है। मिसाल के तौर पर केवड़िया एरिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हुआ, वहां पर आदिवासियों की जमीन लेकर जो कुछ हो रहा है खेल हो रहा है, बाहर से भले लोग आए खुश होके जाए, स्थानिक लोग वहां के लोग नाराज है, वहां के लोग सबक सिखाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, साउथ गुजरात में 7 डैम का रिवर लिंक का प्रोजेक्ट है, वहां के लोग नाराज, इतने नाराज है, इतना विरोध, उतना उसका रेजिस्टेंस हुआ कि सरकार को ये ऐलान करना पड़ा कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का देश भर के 30 नदियों का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर गुजरात का हिस्सा नहीं होगा तो वो पूरा प्रोजेक्ट ढह जाएगा। नंबर दो। नंबर तीन, 1000 करोड़ रुपये का वेदांत का प्रोजेक्ट, अनिल अग्रवाल जो मोदी साहब के बड़े करीबी दोस्त कहलाते हैं, उनका एक जिंक स्मेल्टर का प्रोजेक्ट साउथ गुजरात में, दक्षिण गुजरात में सूरत से कुछ 60 किलोमीटर दूर होना था, उसका इतना तगड़ा विरोध लोगों ने किया, वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देना पड़ा। भारतमाला के नाम से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो जगह जगह से प्लान किए जा रहे हैं, जिसमें 1000 एकड़ लोगों की जमीन जाएगी, हर जगह पर लोगों का विरोध हो रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आदिवासियों के नाम से बना, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, उसका अमल आज तक नहीं हुआ, वहां के लोग नाराज है। हर जगह अगर आप मुद्दे देखें सिर्फ स्लोगन्स है, परफॉर्मेंस कहीं नहीं है, असली मुद्दों पर कोई डिलीवरी नहीं है, तो वहां पर लोगों की नाराजगी होगी ही,
ये बात हमको भूलनी नहीं। ये स्लोगन जो है वो सिर्फ मिल रहे हैं, डिलीवरी कहीं पे नहीं हो रही, ये सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि अब तो पूरा देश देख रहा है। गुजरात से निकलने के बाद जब से साहब देश के प्रधान बने हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है कि सिर्फ स्लोगन है, नारेबाजी है, जुमलेबाजी है, इसके अलावा डिलीवरी तो कुछ हो नहीं रही। ये सलीम साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप दो मिनट में अपनी बात रखिए ताकि हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, हमारा टाइम हो गया। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। बीजेपी ने अभी इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले जो अनाउंसमेंट किया कि हम जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाएंगे। सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमेशा से आरएसएस का एजेंडा था। 27 साल से ये लोग वहां पे सरकार चला रहे हैं, इनको कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ख्याल नहीं आया। यूपी में इनकी सरकार है, वहां पे इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड का ख्याल नहीं आता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां पे इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड का ख्याल नहीं आता है। इससे पहले जब उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाला था तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई, कमेटी बनाई, खत्म। अब गुजरात में जब हालत खराब हुई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ख्याल आया। तो ये जो इतना जबरदस्त कैंपेन करने के बाद भी, 27 साल सरकार चलाने के बाद भी, अगर बीजेपी को जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे भावनात्मक इशू को उठा के वोट मांगना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी की हालत इस बार जो है वो बहुत खराब हो गई है। सलीम साहब आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया है, और यही हम बोलने जा रहे थे कि जब भी कभी भाजपा फंसती है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण का साथ लेती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जैसे आपने बताया तो कांग्रेस ने भी ये बात रखी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं वो तो राज्य सरकार के अंडर में आता ही नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का मुद्दा है। तो ये गुजरात में ऐसी कमेटी का गठन करना और उसके ऊपर कार्रवाई चालू करना, और वो भी ठीक चुनाव से पहले, ये एक चुनावी स्टंट है, ये भी एक जुमला है और इसको हम हकीकत से नहीं देख सकते हैं। और ये वाकई में एक वाक्य बढ़ाना चाहता हूँ। अभी पिछले हफ्ते जो है एक वाक्य अकील साहब के, पिछले हफ्ते बीजेपी के एक लीडर हैं और उनके प्रवक्ता हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जो है वो केस अर्जी डाली हुई है कि ये लगाओ। तो खुद केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में ये कहा कि भाई ये मामला आसान नहीं है और इसके लिए हमको सबसे बात करना पड़ेगा और इसके लिए लॉ कमीशन को काम करना पड़ेगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमको ये नहीं कह सकती। तो ये लोग खुद सुप्रीम कोर्ट में जो बात कह रहे हैं, हाई कोर्ट में जो बात कह रहे हैं, उसके खिलाफ जो है वो उल्टी बात आकर के ये लोग पब्लिक में कह रहे हैं। तो इसे पता चलता है कि ये लोगों को ऐसा डर लगने लगा है कि भैया। और एक बात कि पिछली बार जब ये लोग 117 से गिर के 99 पे आए थे तो उसके बाद इम्पैक्ट ये हुआ था कि मध्य प्रदेश में ये लोग हार गए, राजस्थान में ये लोग हार गए और छत्तीसगढ़ में ये लोग हार गए। तो ये जो गुजरात के इलेक्शन का इम्पैक्ट फौरन पड़ता है, मध्य प्रदेश में तो चीटिंग से वापस सरकार बनाई लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी नहीं। तो अगर गुजरात में इस बार इनका डिबैकल होता है तो आप ये समझ लीजिए इसका इम्पैक्ट आने वाले 4 जो इलेक्शन है, कर्नाटक का इलेक्शन, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का, इन 4 पे पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये ही जो ये होगा, एक ही वाक्य यूनिफॉर्म सिविल कोड की तफसील क्या है ये अगर जानेंगे तो हिंदू उसके साथ रहेंगे क्या नहीं, ये भी सवाल होना चाहिए। सही बात है। ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही छुपता हुआ मामला है। और बिल्कुल हमारी नजर रहेगी गुजरात के इलेक्शन पे क्योंकि ये गुजरात का इलेक्शन ही तय करेगा कि 2024 में मोदी जी रहेंगे या वो पवेलियन वापस चले जाएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खान साहब अपना वक्त देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजरात से हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवर किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।